अब खबरें विस्तार से। जीएस कॉलेज में मामूली विवाद के चलते हुई हाथापाई में 17 वर्षीय राहुल तिवारी नामक छात्र की मौत हो गई है। इस पूरी घटना में कॉलेज प्रशासन की भूमिका संशयास्पद दिखाई देने का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। साथ ही मृतक के परिजनों ने सीताबर्डी थाना का घेराव कर घटना से संबंधित व्यक्ति की जाँच कर कार्यवाही करने की मांग की। शहर के लॉ कॉलेज चौक स्थित जीएस कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के झगड़े में एक छात्र की मौत हुई है। मृतक का नाम राहुल तिवारी बताया जा रहा है। राहुल जीएस कॉलेज के कॉमर्स विभाग की 12वीं कक्षा का छात्र था। कल वो जब अपनी कक्षा में कागज से बने प्लेन उड़ा रहा था, उसी वक्त कॉलेज के दो तीन छात्रों से अनबन हुई। अनबन में हाथापाई हुई, ऐसा आरोप राहुल के पिताजी ने लगाया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में हुई घटना की जानकारी कॉलेज प्रशासन ने उन्हें ना देते हुए उनके परिजनों के फोन पर दी गई। उन्होंने कहा कि कॉलेज तो उसकी तबीयत खराब होने की बात करी थी, मगर हमने कॉलेज के छात्रों से बात की तो पूरी घटना सामने आई। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि वो इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल के परिजनों ने कॉलेज और कॉलेज के प्रिंसिपल का निषेध करते हुए सीताबर्डी पुलिस थाने में आंदोलन किया। साथ ही निवेदन भी दिया कि कॉलेज और अधिकारियों की जांच कर उन पर कार्रवाई भी करे। वो जहाँ काम करता था, पेपर बांटता था, उसके मालक को फोन किया। उसके मालक ने मुझे फोन किया कि आपका बच्चा बीमार है, तो आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया। फिर मैं रास्ते में चलता तो फोन लगाया तो उसके फ्रेंड ने उठाया, बोला धंधे में है। धंधे में पहुंचा तो मेरा बच्चा डेड पड़ा हुआ था। मैं आईसीयू रूम में दो बार जाने की कोशिश की, तीन बार, लेकिन मुझे आईसीयू घुसने नहीं दिया गया। क्यों नहीं घुसने दिया गया? दरवाजा बंद कर ले गया अंदर से, क्यों नहीं घुसने दिया? कॉलेज से किसी का फोन आया कि आपके बच्चे? कॉलेज से मुझे फोन नहीं आया। किसी दूसरे को फोन किया इन लोगों ने? मुझे फोन नहीं किया, जबकि मेरा मम्मी पापा, मेरा भी नंबर है और घर का भी नंबर है यहाँ पे कॉलेज में। जब हम फॉर्म भरते हैं तो नंबर लिखाते हैं इसमें कि कुछ बच्चे को कुछ हो जाए तो। इसके बाद उसके मोबाइल में मेरा नंबर, मम्मी का नंबर सेव था। तो कॉलेज वाले अगर अनपढ़ है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जब मुझे फोन आया कि आपका लड़का बहुत बीमार है, थर्ड पर्सन ने किया, थर्ड पर्सन ने फोन किया, वैसे में गाड़ी लेके मानकर धंधे आया, मेरा बच्चे की और मिलने नहीं दिया गया। और मुझे एक घंटे बाद बताया कि आपके बच्चे की डेट हो गई है। यहाँ से कितने बजे बच्चे को लेके गया? यहाँ से कोई जानकारी नहीं है मेरे को। यहाँ से मैं आया तो बच्चे को ले जा चुके थे। अभी बताया कि प्रिंसिपल ने या पुलिस ने कि यहाँ पर इतने बजे? नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया पुलिस ने, प्रिंसिपल कुछ नहीं बताया। आपकी अभी तक मुलाकात चली, उसमें कुछ बताया? नहीं, वो टीचर से बयान ले रहे उन लोग, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कितने बजे बच्चे को लेगा, कितने बजे बच्चे के प्राण है। मानकापुर हॉस्पिटल में लाए उनको? नहीं, बाजू में धंधे। मैं मानकापुर से आया, मैं मानकापुर में थे, 5 मिनट में धंधे पहुंचा मानकापुर से। घर से बच्चा निकला है आपके, इधर कैसा था? सही सलामत था, खाना खाया बढ़िया, बस से बर्डी आया, बर्डी से लॉ कॉलेज चौक आया, वहाँ से कॉलेज आया। इसके बाद इसको कोई बीमारी? कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई गोली नहीं। बच्चा स्ट्रांग बच्चा था मेरा। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपके बच्चे किसने मारा है, ऐसे कुछ है? नहीं, यहाँ तो बोलते कि डेट हुई, लेकिन कारण काय से डेट हुई है? एक जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ कुछ लोग, मुझे बाहर से खबर मिल रही है कि आपके बच्चे का और एक लड़के का झगड़ा हुआ था, कागज का जो उड़ाने का प्लेन था उसमें उड़ा रहे थे, वो बच्चे ने दो तीन कनपट पे मारा, इनने भी मारा, उनने उठा के इसको ढकेल दिया, ढका ढुकली में नीचे गिरा, इसको जमीन पे लगा, सर पे खत्म हो गया बच्चा। बच्चे की मौत यही हो गई थी कॉलेज के अंदर में। टीचर बच्चों से? हाँ, कॉलेज। हाँ, क्या बताया गया? बच्चों लोगों ने ये बताया है कि कल राहुल और अजय नाम के लड़के में मारा पीटी हुई है। राहुल ने प्लेन उड़ाया था तो उनने उसको एक दो तीन घंटे पे मारा है, फिर राहुल ने मारा, फिर वो बच्चे ने उड़ा के उसको पटक दिया और इसके प्राण इसे कॉलेज में ही निकल गए। जीएस कॉलेज में मर्डर हो गया है। लेकिन अभी तक प्रिंसिपल ये बोल रहे थे यहाँ पर ऐसा कुछ? प्रिंसिपल झूठ बोल रहे, बच्चे झूठ बोल रहे, प्रिंसिपल ने दबाया है कि आप ऐसा बोलो करके। प्रिंसिपल टीचर ने बच्चों, मैंने खुद बच्चों को पूछा है, अभी बच्चों ने कबूल किया। आपके साथ में बड़ी के पीआई साहब भी थे? हाँ, उन्होंने लिखा, हाँ वो लिखे, हमने लिखे बच्चों का नाम नंबर कौन सा बच्चा है, और वो कबूल किया उन्होंने कि हाँ साहब का राहुल को पटक के मारे हैं यहाँ पे, इसलिए उसके प्राण गए करके। कॉलेज के प्रिंसिपल पे आपका ये कहना की केस को दबाया जा रहा था? हाँ, कॉलेज के प्रिंसिपल केस को दबा रहा है। बनी बात है की इस पूरे मामले में सीताबर्डी पुलिस ने बताया कि परिजनों के निवेदन पर जांच चल रही है। राहुल तिवारी हा 12 वर्गामध्ये जीएस कॉमर्स कॉलेजला शिकत होता। काल अचानक 4:15 वाजता दरम्यान दुसरे तो पडला वर्गामध्ये आणि दंदे हॉस्पिटलमध्ये त्याला ऍडमिट केलं। हॉस्पिटलने त्याला मृत घोषित केलं। त्याची 0 नंबर नाही, अंबाझरीमध्ये एक ॲक्सिडेंटल डेथ दाखल झाला। त्यानंतर आपण हॉस्पिटलमध्ये, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये त्याचं PM करण्यात आलेलं आहे। त्याचा विशेरा आणि इतर जे आवश्यक हिस्टोपॅथॉलॉजी आणि CA करता जे पार्ट्स आहेत ते रिझर्व केलेले आहेत। आणि आम्ही आत्ता जे काही चौकशी करतो त्यामध्ये मृतकाच्या नातेवाईकांनी असं म्हटलं आहे की काय एक मुलांनी त्याला मारलेलं आहे। आम्ही चौकशी करू, चौकशीमध्ये जे काही निष्पन्न होईल ते 100% त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। नातेवाईकांनी निवेदन दिलेलं आहे, त्या निवेदनानुसार आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तपासून
सीसीटीव्ही फुटेज वगैरे जे काही मिळतात का ते बघून पीएम रिपोर्ट व्यवस्थित बघून त्यानंतर योग्य ती नियमानुसार कारवाई केली जाईल. प्रिन्सिपलला चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनला आणलेलं आहे त्यांच्या बयानवरी बाबत. आत्ता मी तुम्हाला एकदम स्पष्ट म्हणू शकणार नाही जोपर्यंत त्याचं स्टेटमेंट होणार नाही सर्वांची मुलांची प्रिन्सिपलची टीचर लेक्चरर्सची. नागपूर शहरातील प्रसिद्ध जी एस कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दोन गुटांमध्ये झालेल्या भांडणात 17 वर्षीय राहुल तिवारी या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. मृतक पावलेल्या विद्यार्थ्याच्या नातेवाईकांनी बर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये काही वेळासाठी त्याचा मृतदेह आणून आंदोलन केले. हा मृत्यू एक संशयात्मक निर्माण झालेला आहे कारण या विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे की याचा खून करण्यात आलेला आहे याचा तपास बर्डी पोलीस सध्या करीत आहे. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोडसह अभिषेक पानसी, INBCN न्यूज, नागपूर.